साफ बयान करने लगा हूँ। अरे सांपों की दुनिया में रहने वाली सांप का सिद्धियों के कमाश को सांप देख रहा हूँ। अरे हमारे सांप चकनाचूर करने वाली सांप का सिद्धियों के कमाश को सांप देख रहा हूँ। अरे मैंने सामने क्या देखा लाहौर वालों, मैं अचानक सोया था तो मेरे सामने कुछ अजीब से अंदाज में एक औरत आई जिसकी आंखों में बेहयाई का काजल था, जिसके माथे पर बगैर किसी बिंदिया थी। मैं डर गया, ये कौन सी बीबी है? उसने मुझे सलाम किया, उसने कहा हकरवाल मैं सवैद हूँ। मैंने कहा तू मेरे साथ में तेरा क्या काम? सवैद कहती है तू बड़ी तकरीरें करता है, मुझे एक सवाल का जवाब दे। मैंने कहा सवैद क्या? सवैद कहती है मैं क्या बेचती हूँ? मैंने कहा सवैद मुझसे न पूछ, दीवारों पर भी कान होते हैं, अल्लाह से डर किसी और से पूछ। सवैद कहती है बता मैं क्या बेचती हूँ? मैंने कहा सवैद तू शबाब बेचती है। सवैद मुस्करा के कहती है मैं क्या बेचती हूँ? मैंने कहा तू करदार बेचती है। सवैद मुस्करा के कहती है फिर स्टेज पे तकरीरें न किया कर, और मैंने तो करदार और शबाब बेचा है, तेरे तो बॉनिजर है जो मोहम्मद और मोहम्मद के कुरान को बेचते है। खाब में ये वादा कर लिया कि तवैस आज के बाद जो भी कंपनी का बेगैरत हुआ मैं उसे तवैस ज्यादा नहीं हराम ज्यादा कहूंगा। याद रखो हम अपने मकसद में कामयाब हैं। क्यों? इसलिए क्या दुनिया जब भी नाम लेगी उनका नाम लेगी जो बात सरदार होंगे, और हमारा अजम ये है, हमारी दवा ये है, और इनका सरदार ये है, ये शहीन के, ये एम्प्लाई जुलसी के बैनरों पर मेरा ये शेर लिखो, इनका सरदार क्या है? हलाकत तेज है उल्फत मेरी, हर सांस खूनी है, इसी बायस ये दिल की बस्ती कब्रों से भी सुनी है। मैं उसे जहरीली खुशबुओं के रंगीन हार देता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। रातों को उठकर ख्यालों से होकर यादों में खोकर एनसीपीटी वालों तुम्हें क्या खबर है अपने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ? और रातों को उठकर ख्यालों से होकर यादों में खोकर वीरानों में जाकर टुकड़े सराकर तुम्हें क्या खबर है अपने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ? और तुम तो कहोगे सनम मांगता हूँ, गम मांगता हूँ, जर मांगता हूँ, दर मांगता हूँ, नदी मांगता हूँ, शजर मांगता हूँ, हजर मांगता हूँ। और तुम तो कहोगे हमको खबर है रातों को उठकर वीरानों में जाकर दुखड़े सलाकर अपने खुदा से किसी दिल रुबा की किसी दिल नशी की वफा मांगता हूँ। वो एनसीपीजी वालों, वो लाहौर वालों, ये भी गलत है, वो भी गलत है, सोचा है जो भी तो भी गलत है। न सनम मांगता हूँ, न गम मांगता हूँ, न दर मांगता हूँ, न दर मांगता हूँ, न लगी मांगता हूँ, और न समी मांगता हूँ, न घर मांगता हूँ, न दर मांगता हूँ, और मैं तो अपने खुदा से एक शहीन पहले बगैर लीडरों की आंखों से जाती भैया मांगता हूँ। Oh my God!
वाले और तू टूटी गाड़ी में घूमता है, तेरी बीवी 7,000 तनख्वाह होती, तेरे बच्चे दिन की किसी भी कोचे में तुझसे किसी चीज का सवाल करते, तेरे बाप इंतजामिया का दिया हुआ माल न होता, तुझे फिर पता चलता एनसीपीसी क्या होता है, दर्द क्या होता है। ये मजदूरों का इलेक्शन है या नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम गरीब परेशान हैं, और जिस बंदे के पास रिसोर्स है मजदूरों जैसे नहीं, वो मेरा नमैता कैसे हो सकता है? नमैत की हमारी करते हो, गोली किसी और की बोलते हो, तेरा कसूर नहीं, तेरा जुर्म नहीं। मैं संजी को अपना कातल नहीं समझता, मैं जाउद्दीन को अपना कातल नहीं समझता, मैं जहां राणा प्रासरान को अपना कातल नहीं समझता। सवाल कर लाहौर वाले, तू अपना कातल किसको समझता है? तो मैं हर उस शख्स को अपने बच्चों के और इस कंपनी के फ्यूचर का कातल समझता हूं जो आज भी शहीन को सपोर्ट कर रहा है। के बाप वालिद ने मेरा दोस्त तारीख में जुमला लिखा है कि मैं मानता हूं मोहम्मद अरबियो हाशमी कायनात के अजीम शख्स है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। ओ वालिद माइंडेड पीटीसीएल के दोस्तों जागो, और ये 12 साल के बाद